भजन ठीक ठाक है, लेकिन अक्सर करके हिंदी में जो भजन होता है ना, वो अक्सर करके लोगों का बनाया हुआ ही भजन होता है। हाँ, इधर उधर लोगों का बनाया हुआ। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे, भगवान किसके प्रार्थना सुनते हैं? तो मेरे गुरु जी कहते थे, सड़ंग शरणागति हरिवे जाहर ताहर प्रार्थना सुने सिद्धांत कुमार। भगवान केवल उन्हीं की ही प्रार्थना सुनेंगे जिनकी अंदर में छह शरणागति होगी। आत्मनिवेदन, गोपित वरण, अवश्य रथ में कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार और भक्ति प्रतिकूल भाव भजन। ये जो छह शरणागति हो जाए तभी भगवान किसकी प्रार्थना सुनते, नहीं तो ठाकुर जी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। तो हमारे गुरु जी कहते थे, जैसे भक्त विनोद ठाकुर सब नित्य परिकर महाप्रभु के, श्री लोचन दास ठाकुर, श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब के सब महाप्रभु का परिकर है। जब हम कोई भजन गाते हैं, हमारे गुरु जी कहते हम नहीं भजन गा रहे हैं, भजन कौन गा रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं, लोचन दास ठाकुर, ये सब भजन गा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? उनको पीछे 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 दोहरा रहे हैं, बच्चे जी का हम दोहरा रहे हैं। अगर इनकी भजन को अगर हम गाएंगे ना, ठाकुर जी जरूर हमारा प्रार्थना सुनेंगे। इसलिए आप लोग घर में नियम बनाना, सवेरे उठ करके जितने जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन हरि हर नम कृष्ण जादव नम वृंदावन वासी वैष्णव गण, ये जो जब सब शुद्ध भक्तों का जो गाया हुआ भजन को कोशिश करना रोज रोज घर में, रोज रोज उसको घर में गानी चाहिए, रोज इसको गानी चाहिए घर में। तब इसको देखो कितना बढ़िया गाया है, कितना अच्छा बचा, कितना बढ़िया।